आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिस पार्टी की तैयारियां सबसे तेज है वो है भारतीय जनता पार्टी। पार्टी ने शनिवार को अपने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया है। जेपी नड्डा के इस्तीफे देने के तुरंत बाद राज्यसभा के सभापति ने उसे स्वीकार भी कर लिया। मालूम हो कि जेपी नड्डा 20 फरवरी को गुजरात से निर्विरोध राज्यसभा का सदस्य चुने गए थे। हालांकि इससे पहले वह हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य थे। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के सांसद के रूप में उनका कार्यकाल कुछ ही समय के लिए बचा था। वहीं नियम के मुताबिक अगर कोई सदस्य एक जगह से सांसद रहते हुए किसी अन्य जगह से भी चुनाव जीतता है तो उसे 14 दिन के भीतर पुरानी सीट को छोड़ना होता है। मालूम हो कि हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया गया था। वहीं पार्टी ने इस अधिवेशन में कार्यकाल खत्म होने के कगार पर पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मौजूदा कार्यकाल लोकसभा चुनाव को देखते हुए 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि भावी अध्यक्षों की नियुक्ति को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। इस मामले पर न पार्टी की तरफ से और न ही खुद जेपी नड्डा की तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया है। जैसे ही कोई अपडेट आता है अब तक पहुंचाया जाएगा।